बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे मुख्तलिफ जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनके कुछ इश्यूज़ हैं जूम की मीटिंग के हवाले से, तो मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि हमने क्या करना है। जब हम जूम को क्लिक करते हैं तो इस तरह से वो खुल जाता है, और जो सबसे पहले सामने चीज़ें आती हैं वो आपकी मीटिंग्स आती हैं जो आपने शेड्यूल की होती हैं। आप मीट एंड चैट, लो नीचे आप देखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे मीट एंड चैट है, इसका आप दबाएंगे, क्लिक क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा सामने। अब आप देखें बटन्स आपके पास कौन कौन से आ रहे हैं, न्यू मीटिंग है, ज्वाइन है, शेड्यूल है और शेयर स्क्रीन है। आप न्यूज़ मीटिंग को चेक कर लें, आप इसको क्लिक करते हैं, वीडियो आपने ऑन रखनी है, ऑफ़ रखनी है, पर्सनल मीटिंग आईडी आपने यूज़ करना है नहीं करना, आप स्टार्ट मीटिंग का बटन दबा दें तो ये आपकी मीटिंग जो है ये स्टार्ट हो गई है। अभी आपको कनेक्ट कर रहा है, और कनेक्ट करते साथ ही क्या हुआ कि जी उसने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। आप नीचे देखें, नीचे आपके पास चार ऑप्शंस अवेलेबल है, म्यूट है, स्टॉप वीडियो है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि जब हम स्पेशली अपोजिट जेंडर के साथ हम बात कर रहे होते हैं तो आप ना इंसिस्ट करें और ना ही आप अपनी वीडियो बंद रखें इफ़ शी वांट्स टू, और इवन इफ़ शी वांट्स टू तो आप प्रेफर करें कि आप वीडियो का ऑप्शन बंद ही रखें, बिकॉज़ हमने ऑडियो में ही हमें उसकी जो एवेल्यूएशन जो है वो मोस्टली हो जाती है। हम अपेयरेंस में नहीं है हम इंटरेस्टेड, हम काम में इंटरेस्टेड हैं, सिंसियरिटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, म्यूट है, स्टार्ट वीडियो है, शेयर है, पार्टिसिपेंट्स है और मोर की ऑप्शन। अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, देखें पार्टिसिपेंट्स कितने, अभी तो सिर्फ मैं खुद ही हूँ, अपने आप से ही कर रहा हूँ सारा कुछ। अब आप नीचे देखें तो लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे इनवाइट का बटन है, इसको आप इनवाइट दबाएंगे तो अब आपके पास क्या क्या आएगा, आपने मुख्तलिफ ऑप्शन हैं इनवाइट करने की, मैसेजेस हैं, जीमेल है, जो मेल है, इनवाइट जूम कॉन्टेक्ट्स है, कॉपी इनवाइट लिंक, आप इसको कॉपी कर लेते हैं। तो उसके बाद आप इस को आप जैसे मर्ज़ी जाके आप पेस्ट करें, व्हाट्सएप पे जाके आप पेस्ट कर सकते हैं इसको। जैसे देखें मैं इसको फॉर एग्जांपल जो है ये हारून साहब हैं, इनको मैं अगर यहाँ पे मैसेजेस में आके दबा के रखूँ और मैं सिर्फ पेस्ट दबा दूँ तो ये देखें उस मीटिंग का लिंक जो है ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, इतना मुश्किल काम नहीं है। आप फौरी तौर पर उसको आप लिंक भेज सकते हैं और वो आपको जो है वो ज्वाइन कर सकता है बंदा फौरी तौर पे। अब हम जूम पे थे, अब हम ये करते हैं कि इसको अगर आपने बंद करना है आप क्लोज़ का बटन दबा दें, उसके बाद एंड का बटन राइट टॉप पे दबा दें, एंड मीटिंग फॉर ऑल कर लें, तो अब आपने मीटिंग एंड कर दी, इसको कैंसिल कर दें, वह वापस आ गए। अच्छा, यहाँ से आपने शेड्यूल करनी है मीटिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल स्केड्यूल करनी है, शेड्यूल करनी है, उसका बटन आपने दबा दिया। अब आपने सबसे पहले मीटिंग का नाम रखना है, तो आपने क्या करना है, इंटरव्यूज़ फॉर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स CVSP, ठीक हो गया जी। डेट आज की आपको दे रहा है, डेट और टाइम दे रहा है आपको, देखें अभी 15:13 हुए हैं, 3:13, तो वो टाइम आपको दे रहा है 14। तो सबसे पहले आप डेट सेलेक्ट कर लें, कम से कम 24 घंटे का आपने देना है मार्जिन, तो कल की डेट का हम कर लेते हैं सेट, और टाइम हम कर लेते हैं, टाइम भी प्रेफर करें आपके इवनिंग टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ और भी कर रहे होते हैं, इवनिंग भी असर से मगरिब के दरमियान का टाइम रखें, ज़्यादा लेट भी ना करें। तो 5 to 8 जो है वो दैट इज़ एक्सेलेंट, हम टाइम इस पे सेट कर लेते हैं 5 o'clock, 5 हम करेंगे स्टार्ट का और एंड हो जाएगा ये 5:30। ऑटोमेटिकली 30 वाली ऑप्शन उसमें दी हुई होती है, ये आपको बता रहा है कि 40 मिनट जो है वो लिमिट है मीटिंग की, क्योंकि फ्री है, तो अगर आप पे कर देंगे तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। टाइम जोन भी आप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, तो जहाँ पे आप हैं वो वाला टाइम जोन दिया हुआ होगा, अगर आपने कुछ और करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपने टाइम वाला ही लिंक उसको भेजें, ताकि इवन इफ वो पाकिस्तान से बाहर है बंदा तो वो आपके टाइम जोन के मुताबिक जो है वो चल ले। बाकी इसमें सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं, मसलन वेटिंग रूम आप इनेबल कर लें, क्योंकि होस्ट वीडियो मैंने देखें ऑफ किया हुआ है, पार्टिसिपेंट वीडियो भी मैंने ऑफ किया हुआ है, इसको ऐड टू कैलेंडर किया हुआ है ताकि आपको वो सेव हो जाए और आपको बार बार ढूंढनी ना पड़े मीटिंग अपनी। तो जो जो एक ऑप्शन ये वाली इनेबल वेटिंग रूम, ये ज़रूर कर लें, इनेबल कर लें, बिकॉज जितने भी लोग आएंगे फिर वो धड़ा धड़ आपकी मीटिंग में डायरेक्टली एंटर नहीं होने चाहिए। आपने इंटरव्यू करने हैं, इंटरव्यू के लिए लोगों को लिंक आपने एक ही भेजना है 5 से 10 लोगों को, और उनको जो मैं मैसेज आपको आगे बताऊँगा अभी थोड़ी देर में आपने उनको क्या भेजना है, और ये आपने वेटिंग रूम इनेबल कर लेना है। और करना क्या है कि जैसे ही कोई पार्टिसिपेंट आए जो सबसे पहले आता है उसको आप सबसे पहले ज्वाइन कराएं, उसका इंटरव्यू करें, 4-5 मिनट में आप इंटरव्यू कर लेंगे, वो भी एक वीडियो है कि इंटरव्यू में आपने उसे क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद जब वो फारिग हो जाए, आपकी बातचीत ख़त्म हो जाए, तो उसको आप अल्लाह हाफिज़ करें, थैंक यू वेरी मच करें, और उसे कहें कि मीटिंग वो लीव कर दे, फिर जो नेक्स्ट बंदा होगा उसको मीटिंग ज्वाइन करा लें, इस तरह से टर्न बाय टर्न करें। तो
अब हमने ये जो है हमारा ये स्केड्यूल हमने कर लिया है, ऊपर हम टॉप राइट पे देखते हैं डन है, इसका हम डन का बटन दबाते हैं तो स्केड्यूलिंग आ जाता है, शेड्यूलिंग आ जाता है, एड इनवाइटीज आपसे पूछ लेता है, जो आपके ईमेल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी आ जाती हैं, जीमेल या जो मेल हम दोनों नहीं करते, हम ये करते हैं कि जी हम इसको यहाँ से आप देखें बटन है इनवाइट का, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन दे देता है, ये जो लिंक होगा आप जिसने कॉपी कर लिया है वो मुख्तलिफ जगहों पर आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह मैसेज जैसे मर्जी आप चाहें, हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेते हैं। और उसके बाद हम ये करते हैं कि अब आप मीटिंग्स में देखें तो ये हमारी जो मीटिंग है कल की 14 तारीख की, ये इंटरव्यूज और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर सबसे नीचे लिखा हुआ आ रहा है 17, और ये इसको हम स्टार्ट करना चाहें पहले भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं। अब हमने ये मैसेज जो है ये हमारे पास उसका लिंक जो है ये कॉपी हो गया, अब हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने मैडम सोबिया के साथ ही हम कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स में आके हम पेस्ट करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है जी, डॉक्टर मुकरम इज़ इनवाइटिंग यू। मैं ये करता होता हूँ कि मैं इसको ये ऊपर वाली जो कहानी है इसको डिलीट कर देता हूँ, उससे ये हो जाता है कि आपने पे जितने लोगों को मैसेज भेजा होता है वो आपको नज़र आ जाता है कि आपने इंटरव्यूज़ का मैसेज इनको भेजा हुआ है। अब आपने एक और काम करना है कि इसके नीचे जो है वो आपने एक और जो इंस्ट्रक्शन देनी है वो ये देनी है कि ये देखें ये जो है ना ये आपने इंस्ट्रक्शन देनी है वो ये है कि टॉपिक हो गया ये ऊपर वाला लिंक हमने पहले ले लिया, अच्छा अब ये नीचे जो है ये इंस्ट्रक्शन देनी है, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो बिफोर इंटरव्यू टू रिजॉल्व ऑडियो प्रॉब्लम ऑफ जूम, और व्हेन यू ज्वाइन वेट इन द वेटिंग रूम फॉर योर टर्न प्लीज़ रिगार्ड्स, ठीक है। ये जो लिंक है ना वीडियो का, ये एक्चुअली वीडियो मैंने बनाई थी, जूम में एक मसला ये है कि जब आप ज्वाइन करते हैं ना तो आपका ऑडियो ईजीली कनेक्ट नहीं होता, उसके लिए आपको 2-3 जगहों पर टैप करना पड़ता है, तो वो फिर अगर पहली दफ़ा कोई बंदा मीटिंग अटेंड कर रहा है तो वो फिर फंस जाता है उसमें और उसको समझ नहीं आती कि जी मेरी आवाज़ क्यों नहीं क्लियर हो रही, तो ये इस वीडियो में ये एक्सप्लेन हुआ है। तो दूसरी बात आप ये कर रहे हैं उसको बता रहे हैं कि जी आप वेटिंग रूम में इंतज़ार कर लें तो ये भी अच्छी बात है, उसको पता चल जाएगा कि मैंने अपनी टर्न का इंतज़ार करना है, जो पहले आ जाएगा उसका इंटरव्यू पहले हो जाएगा, जो पहले नहीं आएगा उसका इंटरव्यू पहले नहीं होगा। तो जब आप ये कर लें उसके बाद आप इसको सेंड कर दें, आपके पास जो जो आपके पास कैलेंडर है उसके अंदर भी ये सेव्ड आ जाएगा और दूसरा वहाँ पे भी सारा कुछ जो है वो सेव्ड आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको आप देखें सेंड कर देता हूँ तो मेरे पास जो ये देखें अभी लास्ट मैंने मैसेज किया ना, तो मेरे पास जो मैसेज की लिस्ट है उसमें मुझे सबसे ऊपर ये नज़र आ रहा है टॉपिक इंटरव्यूज़, ये मैंने मैडम को मैसेज भेजा हुआ है, ठीक है। अब ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये था आपका जूम का इशू, इंटरव्यू जो है वो जूम के ज़रिए प्रेफर करें, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर को जो है वो जूम पे ही इंटरव्यू करें, और कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई आ गया बगैर तैयारी के तो उसको बड़ा पोलाइटली समझा दें कि जी आप नेक्स्ट टाइम दोबारा प्रिपेयर करके आ जाएं, और जब आप प्रिपेयर करके आ जाएं तो बता दीजिएगा, तो